नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर देश प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। मंगलवार को जनपद ललितपुर शहर के फुटपाटी दुकानदारों ने अतिक्रमण के विरोध में सीओ सिटी को ज्ञापन देते हुए ये जाने तक फुटपाथ पर ही दुकानें लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि मंगलवार को मोहल्ला कसाई मंडी ललितपुर के फुटपाटी दुकानदारों ने बताया कि अतिक्रमण के तहत फुटपाथ से उनकी दुकानें प्रशासन द्वारा हटा दी गई हैं, जिससे फुटपाटी दुकानदार बेरोजगारी और भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। दुकानदारों ने ज्ञापन में बताया कि वे पिछले 40 साल से फुटपाथ पर दुकानें लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। उन्हें फुटपाथ से अचानक हटा देना उचित नहीं है। ज्ञापन में फुटपाथी दुकानदारों ने मांग की है कि उन्हें नगरपालिका स्थायी दुकानों का आवंटन करे और जब तक आवंटन नहीं किया जाता है तब तक फुटपाथ पर ही दुकानें लगाने की अनुमति प्रदान की जाए। ज्ञापन दिया है कि रात और दिन एक ही समाज एक ही वर्ग के लोगों को परेशान किया जा रहा है। रात दिन मुर्गा मछली मार्केट वालों को परेशान किया जा रहा है। अगर आपके पास जगह, आप इनको स्थायी जगह दीजिए, आप रोजी रोजगार एक लोग कैसे चलाएंगे, ये लोग अपने धंधा कैसे करेंगे। एक ही समाज के लोगों को क्यों परेशान किया जाता है। पानी की टंकी के पास ही रात दिन क्यों यहाँ पर अतिक्रमण होता है। ये भाजपा सरकार मुस्लिम विरोधी सरकार है, रात दिन एक ही समाज के लोगों को परेशान करती है। आप बताइए ये लोग कहाँ जाएं, या तो आप इन लोगों को स्थायी किया या स्थायी जगह दीजिए इन लोगों को। ये कहीं पर भी आप चले जाइए, मुर्गा मार्केट अलग है, दूर है, यहाँ पर कहीं भी दुनिया के अंदर दूर है। अच्छा, आपकी क्या क्या डिमांड है, आपकी क्या मांग है, क्या है? हमारी यही मांग है कि इन लोगों को स्थायी जगह दी जाए, इन लोगों को मार्केट बना के दी जाए, ताकि ये बार बार की परेशानी ये मुसीबत खत्म हो, इन लोगों को परेशान करना बंद किया जाए। जब तक मार्केट नहीं है, आप लोगों के पास जगह नहीं है, शासन प्रशासन के पास, जिन लोगों को जहाँ पर ये बेचते हैं वहाँ पर इनको खोलने की अनुमति दी जाए, ना इनको परेशान किया जाए। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट।